Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. I'm Simal Khan, presenting my 13th lecture of class 4th from New Oxford Social Studies, unit number 4, Culture and Society, lesson number 14, Culture Worksheet. Here is your book title page. This is your worksheet from Culture. We have learned about culture in detail. हमने culture पढ़ा था बहुत detailed में lesson उनका सारा पढ़ लिया था. उनकी specialities, food specialities, places, dances, dresses, art forms. एक country के culture में क्या होता है और country किस तरह से represent करती है अपने culture को वो सारा हमने उसमें पढ़ लिया था. और different हमारे जो communities हैं, जो local communities हैं, वो किस तरह से अपनी art forms, folk dances इस तरह से किस तरह से प्रमोट करते हैं अपने कल्चर को. और बहुत सारे एरियाज ऐसे भी हैं जिनका कल्चर, जिनके ट्रेडिशंस, जिनके डांसेस, आर्ट फॉर्म्स, फूड्स हमें नहीं पता. सो हमें जस्ट मेन चीज़ें हमें पता होती हैं, ठीक है. जो बहुत सारी लोकल थिंग्स होती हैं वो हमें अभी तक नहीं पता. और वो इस तरह से अपने ही एरियाज़ में जिस तरह वो सेलिब्रेट करना चाहते हैं अपने कल्चर को, वैसे सेलिब्रेट करते हैं. और कल्चर इस तरह से सेलिब्रेट किया जाता है कि जो प्रीवियस हैपनिंग्स हैं उनको रिमाइंड करवाया जाता है कि ये हमारा कल्चर है. इसके अलावा हम बाकी कंट्रीज़ को बताते हैं कि हम इस तरह से अपनी लिविंग्स में करते हैं, अपनी लाइफ को लिव करते हैं. यहाँ पर वो देख लेते हैं क्या कह रहे हैं वो. चूज़ द बेस्ट आंसर. यू हैव टू चूज़ द बेस्ट आंसर. फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन राइट इट एज ब्लैंक्स फॉर्म, ठीक है. यू ऑल नो अबाउट इट. द डैश फॉर्म एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कल्चर ऑफ एनी कंट्री. आर्ट फॉर्म जो होती है वो एक कंट्री की और कल्चर की इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है. ये इम्पॉर्टेंट पार्ट इसलिए होता है कि आर्ट फॉर्म से ही पता चलता है, आर्ट से ही पता चलता है कि हमारी कंट्री कैसा कल्चर लेकर जा रही है आगे. ईच कंट्री ऑफ पीपल इन आर कंट्री हैज़ इट्स ओन स्पेशल डांस, ठीक है. हर कंट्री के अंदर उनकी जो मैंने अभी आपको बताया प्रोविंसेस होते हैं, एरियाज़ होते हैं, उनके लोकल एरियाज़ होते हैं, उन सब का अपना अपना डांस फॉर्म होता है जिससे वो अपना कल्चर रिप्रेजेंट करते हैं. सिंधी का अलग, बलोची का अलग, पंजाबी अलग, अपने वो एक्सप्रेस करते हैं उससे, डांस फॉर्म से अपनी हैप्पीनेस को एक्सप्रेस करते हैं. इसके अलावा अगर आप बहुत लोकल एरियाज़ में चले जाओ जिनका हमें नहीं पता, जो हम मेन जगहों पर जाते हैं, हम अंदर वाले एरियाज़ में नहीं जाते, इंटरनल इंटीरियर्स वाले एरियाज़ में नहीं जाते, उन एरियाज़ में अलग ट्रेडिशंस हैं, अलग कल्चर चल रहा है और अलग उनकी डांस फॉर्म्स हैं. फूड फेस्टिवल्स एंड गेम्स ऑफ अ कंट्री आर आल्सो पार्ट ऑफ इट्स कल्चर. फूड फेस्टिवल्स, जो भी त्यौहार मनाए जाते हैं, जो भी गेमिंग की जाती है, पूरे कंट्री को रिप्रेजेंट कर रही होती है ना वो चीज़, कि जो भी गेमिंग कर रहे होते हैं वो हमारा कल्चर क्या है, किस तरह से है, ये भी सारा पार्ट कल्चर में ही आता है. ये हमने फर्स्ट लाइन पढ़ी थी कि कल्चर में क्या क्या चीज़ आती है. द कल्चर इज़ मेड अप ऑफ बहुत सारी चीज़ें थी, लिटरेचर, आर्ट, फूड, फेस्टिवल्स, डांस फॉर्म्स, ये सारी चीज़ों से मिलकर एक चीज़ बनती है और वो है कल्चर, हमारा सकाफत हमारी. डैश हैज़ अ लॉन्ग ट्रेडिशन ऑफ म्यूज़िक. कौन सी कंट्री ऐसी है जिसका म्यूज़िक बहुत ज़्यादा ट्रेडिशन, यानी बहुत लॉन्ग टाइम चलता है, बहुत लॉन्ग ट्रेडिशन है म्यूज़िक का हमारे पास, बहुत लॉन्ग हमारे पास बहुत सारी रेंजेस बहुत ज़्यादा हैं. पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा है म्यूज़िक विच प्रोड्यूस बाय ह्यूमन वॉइस इज़ कॉल्ड, जो इंसानी आवाज़ से म्यूज़िक बनाया जाता है उसे क्या कहते हैं, वोकल म्यूज़िक कहते हैं, क्योंकि वो हमारी अपनी आवाज़ से क्रिएट किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है, इसीलिए उसे वोकल म्यूज़िक कहते हैं. और जो हम इंस्ट्रूमेंट पे प्ले करते हैं लाइक पियानो, गिटार और वायलिन एक्सेट्रा, हम इन पे प्ले करते हैं, उसे इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक कहा जाता है. ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है. अगेन आई एम रिपीटिंग, नीट राइटिंग में लिखेंगे आप बहुत अच्छे से लिखेंगे, प्रिपेयर करेंगे अपना काम. थैंक यू सो मच. डन फॉर टुडे.